भरम पट्टी लेके आवत हूँ। समय सच लाने के लिए तुम्हें फिर से अपना खून बहाना पड़ा राधिका। नहीं देव, जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है। मैं चाह रही थी कि तुम्हारे जाने से पहले तुम्हें एक सरप्राइज फेयरवेल पार्टी दूं, लेकिन हमें क्या पता था कि एक ऐसा सच हम सबके सामने इस तरह से आएगा। हम सबने सब कुछ सुन लिया है बरखा, तुम्हारे अपने मुंह से तुम्हारा कड़वा काला सच। अरे तुम पर हमने कितना भरोसा किया, तुम्हारी वजह से अपनी बहू राधिका पर शक करती रही, उसे सजा दी। हम तो तुम्हें बलिदानी समझते थे, लेकिन तुमने तो सिर्फ हम सबका इस्तेमाल किया है परखा, सिर्फ इस्तेमाल किया है तुमने। चुप कर, चुप कर, चुप कर दो। मेरी मां से सिंदूर मत हटाइए देव, मत हटाइए। बहुत प्यार करती हूँ, मैं इस राधिका से भी ज्यादा प्यार करती हूँ आपको। चुप हो जाओ बरखा, राधिका से अपनी बराबरी करने के बारे में सोचना भी मत। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, इस परिवार से। मैंने इस राजपुरोहिती के लिए कितने बलिदान दिए। राजपुरोहिती के लिए तुमने जो कुछ भी किया है उसमें तुम्हारा कितना बड़ा स्वार्थ था ये हमें आज पता चल चुका है बरखा। इतनी घटिया और घिनौनी चालें चली है तुम। हम सबको ये लग रहा था कि विश्वनाथ चाचा जी राधिका के खिलाफ सबूत ढूंढ रहे, जबकि हमारे चाचा जी थे ही नहीं वो। पर वो एक बहरूपिया था, तुम लेकर आई थी इस घर में उसे। तुम्हारी वजह से मैंने न जाने राधिका को कितने दुख दिए, उस पर विश्वास नहीं किया, उसे उसके अधिकारों से वंचित रखा, यहां तक कि उस पर हाथ तक उठा। पहले ही शक हुए रहा लालन की बरखा पर, इसमें भी इसी की कोई चाल रही होगी। दाइमा पता नहीं हमारे घर में जो कुछ भी हो रहा है इसमें सिर्फ बरखा का ही हाथ है या फिर हमारे घर में से भी कोई इसके साथ मिला हुआ है। बताओ महेश्वरी, तुम्हें क्या क्या पता था? तुम्हारा तो इसके साथ बहुत दोस्ती का रिश्ता था। मैं क्या बताऊं, मैं तो खुद इसकी सताई हुई हूं। मुझे इसके बारे में पता था, मैंने बताने की कोशिश भी की लेकिन इसने मुझे धमकाया, और एक बार जब मैंने आवाज उठाने की कोशिश की ना तो मठ में इसने विराट के खिलाफ ही सबूत पेश कर दिया। आज तक की सब तू इस घर में है तो मेरी वजह से, और आज तू मेरे ऊपर है। बरखा, अब किसी पर हमला करने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारी सच्चाई हम सबके सामने आ चुकी है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अब अगर तुमने एक बार और ऐसी हरकत की तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम एक औरत हो। तुम्हें क्या लग रहा था बरखा कि तुम मेरे और राधिका के बीच में आ जाओगी, मुझे और राधिका को अलग कर दोगी? देव और राधिका का रिश्ता जन्मों जन्मों का है, हमें अलग करने वाले का वही हाल होगा जो आज तुम्हारा हुआ। पुलिस को बुलाना लालन। ऐसे मुजरिम को पुलिस को सौंप देना ही ठीक रहेगा, अब उलोघन ही निपटेंगे ही मुजरिम से। दाई माँ का कहना सही, खुला छोड़ना ठीक नहीं।
पुलिस को मत बुलाइए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था जो मैंने किया। छोटी माँ, आप सबसे कहिए ना मुझे माफ कर दे, आपका तो दिल बहुत बड़ा है। उसी बात का तो फायदा उठाती आई हो आज तक बरखा, लेकिन अब तुम्हें कोई माफ नहीं करेगा। पुलिस अभी यहाँ आएगी और इस मुजरिम को यहाँ से ले जाएगी। तुम्हें क्या लग रहा था बरखा कि तुम मेरे और राधिका के बीच में आ जाओगी, मुझे और राधिका को अलग कर दोगी? देव और राधिका का रिश्ता जन्मों जन्मों का है, हमें अलग करने वाले का वही हाल होगा जो आज तुम्हारा हुआ। राधिका, ये तुम्हारी मुजरिम है। इसे सजा तुम्हें देनी होगी। नहीं, जैसी सोच इसकी है और जैसी करनी इसकी, इसे वही सजा देंगे जो ये सब देख रहे हैं। हम और आप अपने हाथ गंदे नहीं करेंगे। इसे पुलिस के पास सौंपने का निर्णय सही। राधिका, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। अगर मैंने तुम पर विश्वास किया होता तो आज तुमसे खून नहीं बह रहा था। राधिका, बरखा भागे, बरखा ताऊ जी, सारे नौकरों को कहिए कि बरखा का पीछा करें। अरे जल्दी पकड़ो उसे। राधिका, घबरा गए? जरा सी कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया। परेशान मत होइए, मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगी। मुझे माफ कर दो राधिका, मैंने तुम पर शक किया, तुम्हारे सच को नजरअंदाज किया और बरखा ने जो बताया उस पर यकीन किया। मैंने तुम्हें सजा दी और बरखा ने तुम्हें मारने की कोशिश की। आप क्यों बुरे समय को याद कर रहे हैं? जो बुरा था वो बीत गया, अब सब कुछ अच्छा होगा। कान्हा का आशीर्वाद, हमारे परिवार का प्रेम, ये हमारी शक्तियां हैं। मैं तो दूर रहकर भी आपके साथ हमेशा थी, तो आपके साथ हूं। अब आपकी राधिका को आपसे कोई दूर नहीं कर पाएगा, अब आपसे कभी अलग नहीं होंगी। हमारे रिश्ते को नजर लगाने वाली जो बुरी छाया थी वो अब इस घर से जा चुकी है। पुलिस अभी भी उस बरखा को ढूंढ रही है। उस नीच औरत का कहीं कोई पता ही नहीं। कान्हा ने जरूर उसके लिए इससे भी बड़ी सजा सोच के रखी होगी। कान्हा को तो हम भी अर्जी लगा देंगे कि उसको कड़ी से कड़ी सजा देवे। अब देवराधिका को लेके मंदिर जावे का है ना? पिछली बार तो ये बेहोश हुई गई रही तो मन्नत अधूरी रही गई। अब की बार तो दुगना धन्यवाद दे देंगे कान्हा को। पर दाई माँ, बरखा का कुछ पता नहीं चला है। ऐसे में देव और राधिका का घर से बाहर निकलना
क्या ठीक रहेगा? छोटी माँ, चिंता मत कीजिए, हमारे साथ कान्हा का आशीर्वाद है, हमें कुछ नहीं होगा। राधिका, तुम यहीं रुको, मैं कार लेकर आता हूं। कैसे बचेगी राधिका? साथ ही रहना चाहते हो तो यही सही। एक बात याद रखना, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो किसी और के भी नहीं हो सकते। इस राधिका के साथ तुम्हें भी ऊपर पहुंचा दूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी किसी को।
डॉक्टर साहब, एक्सीडेंट बहुत बुरी तरह से हुआ, कार पूरी तरह से चल गई, बॉडी भी जलकर राखी हो गई होगी। हमारी सर्च टीम नीचे तक देखकर आई पर उन्हें कुछ नहीं मिला। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर साहब, मैं जानता हूं आपकी टीम ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जो होना था वो हो चुका। देव साहब, आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा पेपर पर साइन करने के लिए। आखिरकार बरखा जी अब तक आप लोगों के साथ ही रहते थे। जी ठीक है, आप चलिए हम आते। अजय सुनते, मैंने देखा था जो गाड़ी चलाने वाली औरत थी ना, वो राजपुरोहित जी और राजपुरोहिताइन जी को मारने आ रही थी अपनी गाड़ी से। वो तो कान्हा जी ने बचा लिया दोनों को। वैसे गाड़ी चलाने वाली बरखा ही थी ना, जो अब तक राजपुरोहिताइन बनकर रह रही थी। उसने सोचा था कि वो ऐसी हरकत करेगी। चाहता कि उसका अंत ऐसे हो। बरखा ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसे उस बात की सजा तो मिलनी है। दुख की बात तो यह है कि हम बरखा का असली चेहरा कभी देख ही नहीं पाए। उसे हमेशा एक अच्छा इंसान समझते रहे, लेकिन लालच लोगों को बुरा बना ही देता। बरखा को उसके किए की सजा मिल गई। मैं फिर भी भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि बरखा की आत्मा को शांति मिले। हम ये बात उर्मिला काकी को कैसे बताएंगे? वो तो उसे हमारे भरोसे छोड़कर निश्चिंत थी। अब उन्हें ये पता चलेगा तो जी नहीं पाएंगे, अकेली पड़ जाएंगी। इन सब में उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उन्हें सबसे बड़ा दुख सहना पड़ा। चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर उनका ख्याल रखेंगे। मैं जानता हूं उनके इस दुख की कोई दवा नहीं हो सकती, पर उनके जीवन में हम ये कमी पूरी करने की कोशिश जरूर करें। चलो घर चलें।